भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह उक्त बस स्टैंड के नवीकरण का वर्चुअल शिलान्यास किया। गांधी की कर्मभूमि बापूधाम मोतिहारी में सरकारी बस स्टैंड एनटीपीसी के नैगमैकिक सामाजिक दायित्व के तहत मोतिहारी के सरकारी बस स्टैंड के नवीकरण कार्य का हुआ शिलान्यास। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह बस स्टैंड के नवीकरण का वर्चुअल शिलान्यास किया। वहीं सांसद व पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन में मंत्री जी ऊर्जा विभाग भारत सरकार के कर कमलों द्वारा छतौनी स्थित सरकारी बस स्टैंड के नवीकरण कार्य की आधारशिला रखी जा रही है। यह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है। 2,20,00,000 रुपए की लागत से बस स्टैंड का नवीकरण किया जाना है। इस बस स्टैंड के नवीकरण से मोतिहारी के हजारों लाखों लोगों को शहर आने जाने में मदद मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि नवीकरण के तहत बस स्टैंड के अंदर आने से लेकर बाहर जाने तक के सारे रास्ते पर सीसी सड़क का निर्माण, बस स्टैंड के अंदर पार्क में फवाड़ा, घास व सजावटी लाइटों द्वारा सौंदर्यीकरण के साथ साथ बस स्टैंड के प्रतीक्षालय एवं पुनर्निर्माण तथा बैठने की उत्तम व्यवस्था और यात्रियों के मनोरंजन के लिए 55 इंच का LED टेलीविज़न भी लगाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि पूरे बस स्टैंड का RCC के द्वारा पक्कीकरण तथा ड्रेनेज की व्यवस्था, विकलांग यात्रियों, महिलाओं, पुरुषों तथा सहकर्मियों के लिए शौचालय की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही बस स्टैंड के चार दीवारी का निर्माण किया जाएगा और हाई मास्ट लाइट का भी प्रावधान किया जाना है। मोड़ में जुड़े हैं और यह काम उसी उनके निर्देशन में ही किया जा रहा है। हमारा क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक श्री सुधीर नाथ सिंह नाथ सर भी वर्चुअल मोड़ में जुड़े हैं। आज के दिन माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा छतौनी स्थित सरकारी बस स्टैंड का पुनर्निर्माण कार्य का आधारशिला रखा जा रहा है। यह माननीय मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया। माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश पर NTPC द्वारा कॉर्पोरेट